नमस्कार इंडिया, मैं हूं रवि दुबे और आप सबका स्वागत है टू कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक। काबिलियत किस्मत से नहीं, मेहनत से बनती है और आपकी काबिलियत को उसके असली मुकाम तक पहुंचाने का मौका लेकर आया है कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक ओनली ऑन जी नेटवर्क। टॉप 8 बाइक मैकेनिक्स को पिछले एपिसोड में परखा जा चुका है और आज बारी है उन 8 कार मैकेनिक्स की जिनमें से कोई एक बनेगा कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक कार। तो इंडिया, इससे पहले मैं टॉप 8 कार मैकेनिक्स को यहां बुलाऊं, मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं आज के एक्सपर्ट से। प्लीज वेलकम द मास्टर मैकेनिक, कार को परखना है जिनका कारोबार, द वन एंड ओनली फहद कुट्टी। कैसे हैं आप? गुड सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टू कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक। सेम हियर। प्लीज टेक अ सीट सर। आफ्टर यू सर। चलिए शुरू करते हैं पहला टास्क, मैकेनिक से सुपर मैकेनिक बनने के लिए हमारी इन टॉप 8 कार मैकेनिक्स को देना होगा अपना पहला इम्तिहान जिसका नाम है स्टैंडर्ड चेक्स। आज हमारे कार मैकेनिक्स को गाड़ी की परेशानियों का अंदाजा लगाना होगा और इनके पास समय होगा केवल 3 मिनट। सर आपसे ही शुरू करते हैं, आप ही बताइए कि पहला मैकेनिक कौन आने वाला है? धर्मराज। 3 கொஞ்சம் பதட்டமா இருக்கு। 2 டைம் லிமிட்டுக்குள்ள என்னால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணி முடிக்கணும். 1 सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? ऑयल चेक जो कर रहा है। जो कर रहा है, व्हाट आफ्टर द ऑयल चेक? पहला सब फ्लूइड चेक करा जाता है। फ्लूइड के बाद गाड़ी में बैठना चाहिए, स्टार्ट करेगा कि नॉर्मल जो एरर्स है वो डैशबोर्ड में आएंगे। और उसके बाद बराबर कर रहा है, सही जा रहा है। सही जा रहा है। हॉर्न वर्क कर रहा है, इंजन ऑयल लेवल கொஞ்சம் கம்மியா இருந்துச்சு, एयर फिल्टर வந்து கொஞ்சம் அழுக்கா இருக்கு। सर अपने को तो कुछ समझ आता नहीं है। अपना क्या है कि गाड़ी के अंदर बैठने का, चाबी घुमाने का और भाग लेने का, लेकिन बट ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो अ डे टू डे पर्सन शुड नो अबाउट इट। गाड़ी तो हाँ कभी भी खराब हो सकती है। कभी भी खराब हो सकती है, आप ब्रेक डाउन कभी भी हो सकते हैं, तो आपको बेसिक्स तो पता। 30 seconds to go। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बेसिक्स पता होने बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा पर्पज़ है शो का भी कि इज ही गोइंग टू द फ्लैग। क्या बात है, वेरी गुड धर्मराज। अब कौन आने वाले हैं अगले मैकेनिक? इट्स हरपाल रवि कुमार राजेश भाई। 3 टास्क पास करना, 2 पूरा कॉन्फिडेंस, 1 पाचा। इतनी बड़ी गाड़ी है और 3 मिनट में ये चीज पॉसिबल कैसे? इज देयर अ स्पेसिफिक एरिया दैट दे शुड बी लुकिंग फॉर? इंजन कंपार्टमेंट जो गाड़ी की जान है। इंजन ऑयल चेक किया तो ऑयल कम था, इंडिकेटर उसमें फ्रंट राइट वाला इंडिकेटर बंद था, एयर फिल्टर भी चेंज करना है। 5 4 3 2 1 You're done, Harpal. कौन है अगला मैकेनिक? फालतू कौशिक देवसी भाई। 3 पहली बार कैस्ट्रोल में आया हूँ, 2 डर नहीं लग रहा है मगर 3 मिनट में काम करना है, 1 टाइमिंग की हिसाब से थोड़ा सा ऐसा दिमाग में चल रहा है। ये जो कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं। 100% पहला मैकेनिक जो भी रहेगा फर्स्ट चीज बोनट खोलेगा। उसका एयर फिल्टर चेक किया वो सही है, कूलेंट लेवल कम है इंजन का, इंजन में कोई प्रॉब्लम है, इंजन ऑयल चेक किया वो सही है। हम लोग ना कितने लोगों के काम को कई दफा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, दैट एंड आई एम टॉकिंग प्योरली एज अ कॉमन मैन, कि आपको लगता है कि एक मैकेनिक का काम काफी आसानी से हो जाता होगा लेकिन बहुत ही मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इंट्रिकेसी भी है, पेशेंस भी है। 100% 10 seconds to go. 5 4 3 2 1 Your time's up. So it is Jitesh Chandubhai Dhabi. 3 डर तो नहीं है, 2 ट्राई करेंगे, जितना बने हो सके उतना करेंगे, 1 वहाँ से यहाँ तक तो तेज़ है, वहाँ से यहाँ तक काफ़ी स्लो है, लेकिन अभी उसने गलत कर दिया, गाड़ी स्टार्ट कर दिया। देखिए मेरे को ऑयल का लेवल पता नहीं चलेगा। गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब चेक लाइट आती है ना, वो आती है। इस वक्त ये क्या कर रहा है? एयर फिल्टर चेक कर रहा है। ओके, एयर फिल्टर चेंज करने का है। फिल्टर जब चोक हो जाता है तो गाड़ी में पिकअप कम हो जाता है, एवरेज है, माइलेज है वो ड्रॉप हो जाता है। ऑयल थोड़ा कम था, ब्रेक ऑयल थोड़ा कम था। 3
टू वन टाइम्स अप व्हाट्सअप जी सर इट्स मनोज कुमार थ्री थोड़ा डर लग रहा है सर टू अंदर का परफॉर्मेंस दमदार रहेगा वन चकास हेडलाइट से कर रहे हैं जो आप पहला आदमी बॉनेट खोलता है और फिर बाद में ये चेक कर रहे हैं इज डूइंग द सेम थिंग बट द अदर वे राउंड कूलेंट का लेवल कम था ब्रेक ऑयल का लेवल कम था ब्रेक पैड कम थे अब तक ये ब्रेक पैड किसी और ने चेक नहीं है फ्रंट राइट इंडिकेटर लाइट नहीं जल रही थी दरवाजों की ग्रीसिंग होनी थी थ्री टू वन टाइम्स अप इट्स नसीम अहमद थ्री सर दिमाग में सिर्फ जीतना टू ये हमारा डेली वाला काम है वन कोई नया नहीं कर रहे कुछ अलग से नहीं कर रहे इंसान की वॉक उसके बारे में बहुत कुछ बता देती है पहला आदमी ऑयल चेक करे ऑयल नहीं है तो as good as nothing. Exactly, nothing. टोटल कितने स्टैंडर्ड चेक्स होते हैं बेसिक्स जो है ऑयल्स फ्लूइड सब रहते फिल्टर्स रहते स्टेप बाय स्टेप बिकॉज एक के साथ सब चीज़ जुड़ा है टायर के साथ सस्पेंशन जुड़ा है शॉक सस्पेंशन के साथ चेसी जुड़ा है एक इंडिकेटर बल्ब खराब है फ्रंट लेफ्ट का रेडिएटर कूलेंट ठीक है पाइप पर चेक किया मैंने हनी स्प्रे मारा तो स्प्रे गड़बड़ है कोई ऊपर है कोई नीचे है थ्री टू वन जीरो टाइम्स अप नसीम पास अप हरदेव सिंह थ्री दिमाग में थोड़ा डर चल रहा है टू क्योंकि जीतना है तो डर के आगे जीत है वन यह काम हरदेव He has got that speed. Yeah. It's like aggression, agility. Aggression है उसमें. दोबारा चेक कर रहे हैं. कंफर्म करने के लिए ऑयल कैसा है. बाकी लोग ने ऑयल लेवल चेक किया. ये जनाब ने चेक किया हाउ गुड इज द ऑयल. इस सर्टेन टाइम तक आप इंजन ऑयल नहीं चेंज करते हैं, तो ऑयल थिक हो जाता है. एयर फिल्टर चेक किया तो एयर फिल्टर को क्लीन करने की जरूरत थी. Now I think he is almost done with the engine compartment. ओरन चेक किया तो ओरन नहीं बज रहा उसने हॉर्न भी चेक किया जो बाकी लोगों ने नहीं चेक किया फाइव फोर थ्री टू वन टाइम्स अप हरदेव तो जो फाइनल कंटेस्टेंट हैं वो हैं जयवेल कमला मूर्ति த்ரீ இல்லை இதுவாக இது முதல் முதல் இப்போ தான் கேஸ்ட்ரால் வந்து காருக்கு அட்டன் பண்ணிக்குது அதனால் எங்களுக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது டூ பரவாயில்ல இவ்வளோ தூரம் நாங்கள் வந்ததுக்கு எங்களுக்கு பெரிய விஷயம் தான் ஒன் தேங்க்ஸ் டு கேஸ்ட்ரால் கம் ஆன் ஜெயவேல் ஃபஸ்ட்டு என்ஜின் ஆயிலோட லெவல் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது கூலண்ட் ஆக்சரி டேங்கில் வந்து சுத்தமாக கூலண்ட் இல்லை बेस चेक करने के लिए जैसा मैकेनिज्म बोलते हैं उसमें इंजन आ गया ट्रांसमिशन आ गया तुम्हारे ब्रेक्स आ गए हॉर्न வந்து அடிக்கல பிரேக் ஆயில் லெவல் வந்து ரொம்ப லோவா இருந்தது நாலு டயரோட பிரஷர் கரெக்டா இருந்தது 3 2 and 1 டைம்ஸ் அப் ஜெவில் सो इंडिया पहले राउंड का मुकाबला खत्म हुआ इन मैकेनिक्स में से कौन बनेगा सुपर मैकेनिक ये जानने से पहले हम आपको दे रहे हैं मौका घर बैठे सुपर मैकेनिक बनने का बारिश के मौसम में कार के पीछे की विंडशील्ड में धुंध जम जाती है ऐसे में क्या करना चाहिए यूजुअली इस विंडशील्ड में डीफॉगिंग के लिए गोल्ड इनलाइन वायरिंग ग्रिड होती है जिससे हीट पैदा होती है और धुंध छट जाती है ध्यान रहे जब भी आप इस वायरिंग ग्रिड को साफ करें हॉरिजॉन्टली साफ करें कभी भी वर्टिकली साफ ना करें क्योंकि ऐसे साफ करने से वायरिंग ग्रिड खराब हो सकती है एक और बेहद जरूरी बात जब भी साफ करें माइक्रोफाइबर क्लॉथ लें और उस पर कैस्ट्रॉल 3M ग्लास क्लीनर लगा के विंडशील्ड और विंडो ग्लास साफ करें तो दोस्तों ये थी आज की डू इट योरसेल्फ टिप इसके सहारे आप घर बैठे बन सकते हैं सुपर मैकेनिक तो इंडिया पहला इम्तिहान खत्म हो चुका है फैसला भी आ चुका है मगर फैसला सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि 8 कार मैकेनिक्स में से सिर्फ 3 कार मैकेनिक्स ही आगे जाएंगे
आप सभी के हाथ में एक पाउच है। इस पाउच में एक कार्ड है। वो कार्ड या तो लाल रंग का है या हरे रंग का है। अगर आपका कार्ड लाल हुआ तो मैकेनिक से सुपर मैकेनिक बनने का आपका यह सफर यहां खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कार्ड हरा हुआ तो आपका सफर जारी रहेगा। सबसे पहले हरदेव, ग्रीन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कंग्रेचुलेशंस। मनोज कुमार साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। रवि कुमार जी, रियली वेरी सॉरी। धर्मराज जी, ग्रीन, कॉम्पिटिशन इज ऑन फॉर यू ब्रो। जितेश भाई, आई एम सॉरी जितेश भाई, लेकिन आपके चेहरे की जो प्लेजेंट मुस्कुराहट है इसको सदा ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू। नसीम अहमद, इट्स रेड, ऑल द बेस्ट। अब आप दोनों को अपने कार्ड्स एक साथ खोलने हैं। 1, 2, 3, इट्स रेड कार्ड, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। हरदेव, धर्मराज एंड जयवीर, ऑल द वेरी बेस्ट। आप तीनों को बहुत 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 मुबारकबाद। बहुत स्ट्रेसफुल मोमेंट था हम सबके लिए, लेकिन इट वॉज अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन ऑल्सो। और स्ट्रेस हो या सेलिब्रेशन हो, दोनों ही मोमेंट्स में ब्रेक बनता है। इसलिए इंडिया, वी आर गोइंग इन फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। कम राइट बैक टू कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक कॉन्टेस्ट ओनली ऑन जी नेटवर्क। अब जो बात है वो आपके हाथ से पूरी तरह निकल चुकी है और आपके एसेसर्स के हाथ में ही है। Welcome India to Castrol Super Mechanic Contest on Z Network. मैं आपको बताऊं इंडिया कि चीजें बिगाड़ना आसान है, उन्हें सुधारना मुश्किल। ये गियर बॉक्स में आप देखेगा तो इसका फर्स्ट टर्न सेकंड गियर शिफ्ट नहीं हो रहा है, तीन और चार हो रहा है। इसके लिए ये गियर बॉक्स को खोलना पड़ेगा। ये गियर बॉक्स तब तक नहीं चलेगा जब तक इसके अंदर छुपे चार फॉल्टी पुर्जों को इन पुर्जों के साथ रिप्लेस ना कर दिया जाए। हमारे टॉप थ्री कार मैकेनिक्स इन पुर्जों को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन केवल उतने पुर्जों को जितने पुर्जों को रिप्लेस करने की आवश्यकता है। ये सब कुछ करने के लिए हमारे टॉप थ्री कार मैकेनिक्स के पास केवल 60 मिनट का वक्त है। बहुत ही मुश्किल, बहुत ही क्रिटिकल राउंड है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। इसको जज करने के लिए हैं स्पेशल एसेसर्स। हर पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए आपको मार्क्स देंगे और उस बेसिस पे ही रिजल्ट्स को टैबुलेट किया जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, योर टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1, गेट अप। इतना आसान नहीं है असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग का गियर, और स्पेशली उसके अंदर फॉल्ट भी निकालना, ये बेहद मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम। कम टाइम में अच्छी तरह से फिटिंग करना था तो थोड़ा घबरा गए थे। இங்கே கேமரா முன்னாடி எல்லாம் பண்ணதுனால கொஞ்சம் பதட்டமும் இதுவும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. என்ஜின் இட் செல்ஃப் கேன் ஒன்லி ப்ரொடியூஸ் பவர், இட் கேனாட் புட் டவுன் த பவர். ஸோ த மோஷன் இஸ் ஆல் த கியர் பாக்ஸ். இஸ் செக்கிங் த வெர்னியர் கேலிபர் வித் எக்ஸாக்ட் டயாமீட்டர் வாட் ஹி நீட்ஸ். ஸோ ஏ டயாமீட்டர் செக் கர் ரஹே ஹேன் யா திக்னஸ் செக் கர் ரஹே ஹேன்? நாட் த திக்னஸ், த டயாமீட்டர் ஜோ தியா கியா தா, இட்ஸ் அ சிங்க்ரோ விச் கோஸ் வித் இன் த கியர். ஜோ ஆப் அக்சர் கியர் சேஞ்ச் கர்தே ஹே, ஆப்கோ ஸ்மூத்னஸ் ஜோ ஃபீல் ஹோதா ஹே. That's the synchro what is doing the job. Javel ne to first gear dal bhi diya. Ye gear by gear banta hai kya? Ji. Oh. Aur jaldi jaldi sab fit karne lage the. Do teen night raat mein jo lagani tut gayi thi. To har gear ka har ratio alag rehta hai. Right. Aap right ratio mein dalenge nahi to ye gear box assemble bhi nahi hoga. Forget about assembly, chalega hi. धर्मराज को जो तकलीफ आ रही है, हाँ, वो सिंक्रो की वजह से में। ये होता क्या है सिंक्रो, व्हाट इज दिस? सिंक्रो है बेसिकली दो गियर को इक्वलाइज करता है। फिलहाल तो अच्छा जा रहा है। इज असेंबल्ड द शाफ्ट ऑलरेडी, हाउसिंग में डाल दिए ले, बेल हाउसिंग में। एज आई टोल्ड यू ही इज डूइंग इट द राइट वे। क्योंकि वर्कशॉप में ऐसा होता है कि हम खोलते हैं तो वो हम फिट कर रहे हैं, इसको तो कुछ पता ही नहीं था। और कार भी ऐसी थी, गियर बॉक्स को पता ही नहीं था कौन सी कार का है। टेक्निकली
चैलेंजिंग असेंबली कौन सी है? द गियरबॉक्स. गियरबॉक्स? यस. इंजन से भी ज्यादा? यस. सबसे मुश्किल वाला काम दिया है हमने? यस एग्जैक्टली. साहब थोड़े अटके हुए लगता है सिंक्रो में और गियर में. ये जो दिख रहा है दो शाफ्ट्स आपको, वो जो अभी तक कोशिश कर रहे हैं क्राउन को डाल रहे हैं, दोज आर योर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ गियर्स. दे वर्क इन टू पैरेलल वे. दोनों सिंक्रो होना चाहिए. ओके. ये जो अभी इंस्टॉल करा जा रहा है उसे फोक कहते हैं. यही चीज़ है जो आपको फर्स्ट से सेकेंड में हेल्प करता है गियर्स को चेंज करने के लिए. कसिया गियर बॉक्स असेंबल பண்ணும்போது கொஞ்சம் பதட்டமா ஆயிட்டேன். தர்மராஜ் ஜி கோ மேரே ख्याल फिलहाल தர்மராஜ் ஜி அபி ஜானாஸ் ஃபஸ் கே. அதே மாதிரி பார்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வரும்போது கொஞ்சம் நிதானம் இல்லாம போயிருச்சு. कुछ तो गड़बड़ हुआ है, वो वापस निकाल रहे. पहली बार अब तक इनके इस टास्क में पहले हेल्पर आए हैं हमारे. मेरे जयवेल साहब का कंडक्ट जो है ना, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कितने टेक्निकली साउंड है या नहीं है, दैट योर बेटर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पेशेंस दैट आई एम एबल टू सी ऑन दिस फेस राइट नाउ. ही नोस व्हाट ही इज डूइंग. அங்க போய் அதை எடுக்கணும், இதை பண்ணணும், இதுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆகும், அதில் அமௌண்ட் ஆகும்போது நாங்கள் ஃபுல்லாக டோட்டலாக கன்ஃபியூஷன் ஆகிட்டோம். கன்ஃபியூஷன் ஆகும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. அதே முஜ थोड़े से थोड़ा लग रहा है घाय घोड़े में कर रहे हैं ऐसा लग रहा है. ये जनाब तो अपना खुद का टाइम दे रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं. இப்ப நடந்த இரண்டாவது கியர் பாக்ஸ் கான்டாக்ட்ஸ்ல வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கடைசி நேரத்துல நான் கொஞ்சம் பரபரப்பா இருந்ததனால என்னால சரியா ஃபிட் பண்ண முடியல. इन दोनों ने तो असेंबल ऑलरेडी कर चुके गियर बॉक्स जो गियर है, अब बिठाने में उनको तकलीफ हो रही है हाउसिंग. 30 मिनट्स टू गो, हाफ टाइम ओवर. ये जो अभी बाग उठाया है गियर बॉक्स के अदर साइड ऑफ इट. गियर बॉक्स इज इन टू पीस. कैप तो लगा रहे, सीलिंग डालने भूल गए. फिर तो इन्होंने पहले बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी. It can leak. और जब केसिंग नहीं बैठेगा, आप कितना भी लड़ाई कर लो कोई फायदा नहीं. कुछ फायदा नहीं है, बैक टू स्क्वायर वन. आपको सब खोलना पड़ेगा. इससे पीछे इस वक्त फिलहाल चल रहे हैं धर्मराज जी, बहुत आराम से चल रहे हैं. ये कहाँ तो कहाँ परेशान है वो रिवर्स गियर लेकर. जी धर्मराज जी के ऊपर ये जो प्रेशर है कुछ ज़्यादा ही हावी हो गया. पॉसिबल है या? प्रदीप की असेंबली जो है कंप्लीट हो गई है. ये जो लगा रहे हो गलत लगा रहे हैं. ये उनको गियर बाहर निकाल के पहला क्राउन डाल के फिर गियर डाल. कैश आर एवलो வசதி பண்ணா கூட எங்களுக்கு அந்த கடைசி நேரத்துல என்னால கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி கவனம் குறைவா இருந்து பண்ணதனால பண்ணிட்டோம். मैं कह रहा हूं कि जब तक आखिरी मिनट भी बाकी है ना, होने को कुछ भी हो सकता है. तो इसलिए हिम्मत ना हारे. ये जो तीनों मैकेनिक्स आपके सामने 80 के राउंड में भी टॉप 3 मैकेनिक्स यही थे. 10 मिनट बाकी. When they actually started it, उनके पास सब चीज़ खुला पड़ा था. अब कोई चीज़ आदमी खोलता है तो उसे पता है this part has come out from this particular area, you know. जो mechanic gearbox खोलता है वही mechanic जब gearbox लगाता है उसके लिए easier रहता है. Finally JBL साहब की भी assembly आखिरी stage पर पहुँच चुकी है. और धर्मराज जी confused ही लग रहे हैं. उनका crown भी बराबर जगह पर बैठा नहीं है. जी असेंबल पड़ा बहुत सारी असेंबल पड़ा मुड़ी है. 5 minutes to go. Keep trying, धनराज जी. मुझे लग रहा है तकलीफ है वो गियर में. जेबेल साहब की ना सेकेंड गियर में तकलीफ है. फाइनल 1 minute to go. இதிலிருந்து நான் வந்துட்டு இன்னும் ஸ்பீடாக பண்ணணும், நல்லா இன்னும் முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். 5, 4, 3, 2, 1, stop. टास्क खत्म हो चुका है, तीनों के लिए समय भी समाप्त हो चुका है, लेकिन तीनों ने टास्क को अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर खत्म किया है. लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आपको याद दिला दूं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पूरी तरह फॉलो करने में आप दोनों चूक गए. अब जो बात है वो आपके हाथ से पूरी तरह निकल चुकी है और आपके एसेसर्स के हाथ में ही है, लेकिन यह फैसला आज आपके सामने नहीं आएगा. ये फैसला आपके सामने आएगा फाइनल एपिसोड में. थैंक यू सो मच फहद सर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. जाने से पहले आप सब के लिए एक जरूरी सेफ्टी टिप, गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट जरूर पहने क्योंकि यह आपको सुरक्षित रखती है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक कॉन्टेस्ट ऑन जी नेटवर्क. टिल देन गुड नाइट, टेक केयर. केवल दो लोग जिनका मैकेनिक से कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक बनने का सफर जारी रहने वाला है और कोई एक
आज यहाँ से चला जाएगा।